चलिए बच्चों एक्सरसाइज 3.2 इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 डिवाइडेड बाय A2 कॉमा B1 डिवाइडेड बाय B2 एंड C1 डिवाइडेड बाय C2। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सवाल कहता है इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करके आप बताओ कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस है या इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। मैंने आपको पहले भी बोला कंसिस्टेंट कब होते हैं, अगर इनका कोई सोल्यूशन होता है। अगर इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इक्वेशंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर दो कंडीशंस है जब लाइंस होते हैं कंसिस्टेंट और एक कंडीशन है जब इक्वेशंस होते हैं इनकंसिस्टेंट। अगर मेरी लाइंस आ गई इंटरसेक्टिंग इसका मतलब सोल्यूशन एक होगा। अगर दो इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन है तो इसका मतलब है इक्वेशंस होंगे कंसिस्टेंट। अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो इक्वेशंस क्या है इनकंसिस्टेंट। अगर लाइंस होंगे इंटरसेक्टिंग तो कितनी जगह काटेंगे एक जगह पे सॉल्यूशन कितने होंगे एक। इक्वेशंस विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन तो इसका मतलब है द इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। अच्छा आप अगर लाइन पे लाइन आ रही है इफ द लाइंस आर कोइंसिडेंट तब इक्वेशंस होंगे कंसिस्टेंट। सॉल्यूशंस कितने होंगे इनफिनिटली मेनी। अब अगर मेरे लाइंस आ रही है पैरेलल तब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा और लाइंस होंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर तो शॉर्ट में आपको याद रखना है अगर दो इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन है तो लाइंस को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। अगर दो इक्वेशंस का कोई भी सोल्यूशन नहीं है यानी कि पैरेलल लाइंस आ रहे हैं तो हम कहेंगे यू नो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये क्लियर हो गया yes, अब हम यहां पे कुछ पार्ट्स देकर है हम देखेंगे यहां पे ये दो इक्वेशंस जो है ये आपस में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कल की तरह बिल्कुल करना है हम इनके कोएफिशिएंट्स को पहले निकालेंगे फिर उनको कंपेयर करेंगे फिर देखेंगे लाइंस किस किस्म की है तो पता चलेगा कि इक्वेशंस आपस में कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मैं लिखूंगा ऐसे जैसे मैंने कल लिखा था कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। क्लियर होता है yes, तो रखो निकाल के यहां पे A1 कितना है 3 B1 जो है दैट इज 2 एंड C1 इज 5 वही है ना। कोएफिशिएंट को भी निकालता हूं 3, 2, 5 और A2 कितना है दूसरी इक्वेशन से निकालो 2 और B2 कितना है -3 और C2 है 7। ये क्लियर हो गया yes, अब मैं therefore A1 डिवाइड बाय A2 वो बराबर होगा 3 डिवाइड बाय 2 B1 डिवाइड बाई B2 वो बराबर होगा 2 डिवाइड बाई -3 और C1 डिवाइड बाई C2 वो बराबर है 5 डिवाइड बाई। यहां पे पता चला क्या 3/2 बराबर है 2/-3 के नो no. मैं लिखूंगा सिंस A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 जब ये दो बराबर नहीं होते तो C1 के साथ फिर कंपेयर करने की जरूरत तब हमें थर्ड टर्म को कंपेयर नहीं करना होता है। जब पहली बराबर नहीं तो लाइंस क्या होंगे इंटरसेक्टिंग और सॉल्यूशन होगा ए तो इक्वेशंस क्या होंगे कंसिस्टेंट क्योंकि एक सॉल्यूशन निकला ना yes, कोई ना कोई सॉल्यूशन जब होगा तो इसका मतलब है इक्वेशंस होते हैं आपस में कंसिस्टेंट। मैं लिखूंगा सिंस A1 डिवाइड बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइड बाई B2 देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस क्या होंगे इंटरसेक्टिंग एंड ए यूनिक सॉल्यूशन और इक्वेशंस का होगा एक यूनिक सॉल्यूशन एंड ए यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो है देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। जब कोई सॉल्यूशन है तो इक्वेशन आपस में क्या होंगे कंसिस्टेंट। देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर होता है ये हो गए पर बस इतना ही मैं बोल रहा था वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब इनका एक यूनिक सॉल्यूशन है तो आपस में इक्वेशन क्या होंगे कंसिस्टेंट। अब हम करेंगे दूसरे पार्ट को यहां पे भी मैं करूंगा ये खुद लिखना कंपेयर इट विद या खुद ही लिखना yes, मैं डायरेक्ट निकालूंगा कोएफिशिएंट को मैं लिखूंगा यहां से A1 कितना है बच्चों 2 ये यहां पे देखो कॉमा B1 कितना है -3 C1 कितना है 8 A2 कितना है 4 B2 कितना है -6 C2 कितना है 9 वेरी गुड। अब हम करेंगे काम देयरफॉर A1 डिवाइड बाय A2 वो बराबर है 2/4 कसर काटो 2 1s are 2 2 2s are 4 या 1/2। अब B1 डिवाइड बाय B2 वो बराबर है -3 डिवाइड बाय -6
जब न्यूमिनेटर को भी माइनस होगा डिनोमिनेटर को वो कट जाएगा, माइनस माइनस खत्म, थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स, वो भी निकला वन डिवाइड बाई टू। अब सी वन डिवाइड बाई सी टू वो बराबर है एट बाई नाइन, एट और नाइन किसी कॉमन टेबल में नहीं आते तो यहां पे कसर कोई भी नहीं कटेगी। तो पता चला ए वन डिवाइड बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन डिवाइड बाई सी टू, लाइन क्या होते हैं तो कोई भी सोल्यूशन, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब इक्वेशन आपस में इनकंसिस्टेंट है। मैं लिखूंगा सिंस ए वन डिवाइड बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन डिवाइड बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन डिवाइड बाई डी आर फोर लाइनज आर लाइनज आर पार्लल एंड द इक्वेशन विल हैव नो सोल्यूशन, इनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। डी आर फोर the given equations are inconsistent, ये क्या होंगे, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है तो इक्वेशंस आपस में होते हैं इनकंसिस्टेंट, द इक्वेशंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट को, यहां पे बटा में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, यहां में भी मैं डायरेक्टली कोएफिशिएंट को ये आप खुद लिखना, कंपेयर दीज इक्वेशंस विद, ये आप खुद ही लिखना। निकालो कोएफिशिएंट, ए वन कितना है बच्चों थ्री डिवाइड बाई टू, बी वन कितना है फाइव डिवाइड बाई थ्री, सी वन कितना है seven. क्लियर होता है yes, यहां देखो बच्चों, तो ए टू कितना है नाइन, बी टू कितना है माइनस टेन, सी टू कितना है फोर्टीन, है ना सी टू हो गए यानी कि कॉन्स्टेंट। तो अब लिखो डीआर फोर ए वन डिवाइड बाई ए टू वो किसके बराबर है थ्री डिवाइड बाई टू, इसको बटा करना है नाइन, जब डबल बटा है इसको कैसे खत्म करते हैं, फिर उल्टा करते हैं रेसिप्रोकल, इंटू में करते हैं लेकिन फिर उसको करते हैं रेसिप्रोकल, यानी कि मुझे करना था डिवाइड बाय नाइन, मैं आप उसको इंटू लिखूंगा वन डिवाइड बाय नाइन, क्योंकि नाइन का रेसिप्रोकल है वन डिवाइड बाय नाइन, तो वो क्या निकलेगा मतलब यहाँ पे कसर में काटूंगा, थ्री वन हजार थ्री, थ्री थ्री हजार नाइन, तो वन वन हजार वन, थ्री टू हजार, ये निकला मुझे एक बटा छह। यहां पे हम ऐसा भी पहले भी कसर काट सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर कसर काटो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि थ्री वन हजार थ्री, टू नाइन हजार एटीन, फिर थ्री को एटीन से कसर काटो वन डिवाइड बाई सिक्स, वहां पे भी निकलेगा। अब हम करेंगे काम डीआर फोर बी वन डिवाइड बाई बी टू कितना बराबर है, बी वन मुझे कितना है फाइव डिवाइड बाई थ्री इंटू माइनस टेन, है ना, इसका उल्टा करेंगे हम वन डिवाइड बाई माइनस टेन, वेरी गुड, वो निकलेगा फाइव वन हजार फाइव, थ्री टेन हजार, या यहीं पे कसर काटेंगे हम, फाइव वन हजार फाइव, फाइव टू हजार टेन, वन वन हजार वन माइनस थ्री टू हजार सिक्स, मगर माइनस सिक्स क्योंकि ये टेन का माइनस चला जाएगा टू को, क्लियर होता है, लेकिन ये माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, इसको खत्म करने के लिए मैं रैशनलाइजेशन करूंगा, मैं माइनस वन से ऊपर भी जरब करूंगा, मैं माइनस वन से नीचे, फर्क नहीं पड़ेगा, जब हम वही नंबर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी नंबर वही रहता है, फ्रैक्शन में फर्क नहीं पड़ती है, मैंने आपको प्रूव करके वन वन हजार माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस सिक्स वन हजार सिक्स। दूसरा मुझे ये निकला सी वाली सी वन डिवाइड बाई सी टू वो निकला सेवन डिवाइड बाई फोर्टीन, है ना, सेवन वन हजार सेवन, सेवन टू हजार फोर्टीन, वो भी निकला वन डिवाइड बाई, क्या इसका मतलब है ए वन डिवाइड बाई ए टू बराबर है बी वन डिवाइड बाई बी टू, नो, क्योंकि ये है एक बटा छह, ये है माइनस एक बटा छह, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। मैं लिखूंगा सीएनएस ए वन डिवाइड बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन डिवाइड बाई सी, फिर हमें कंपेयर नहीं करना है सी वाली टर्म, डीआर फोर लाइन्स क्या होंगी, डीआर फोर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एंड इक्वेशंस विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन का मिलेगा बस खाली, विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन, विल हैव ए यूनिक सोल्यूशन, डीआर फोर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन है ना, जब सोल्यूशन होगा तो इक्वेशंस होते हैं कंसिस्टेंट, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा दो इक्वेशंस का उनको कहते हैं कि इक्वेशंस जो है वो क्या है इनकंसिस्टेंट, क्लियर हो गया yes, sir.